राष्ट्रीय समवे सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अहमदाबाद में एक समारोह में कहा कि भारत आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, लेकिन उसकी पश्चिमी और उत्तरी सीमाएं इतनी सुरक्षित नहीं है कि लोग शांति से सो सके। वहीं मोहन भागवत ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका परोक्ष इशारा पाकिस्तान और चीन की ओर माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मोहन भागवत ने आरएसएस के कार्यक्रम में कहा कि आज हमारा देश प्रगति कर रहा है, इसकी साख महत्व और संप्रदा भी बढ़ रही है। वहीं लोगों के बीच देशभक्ति का प्रसार साफ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि हमें G20 का नेतृत्व मिला है। हालांकि कई चुनौतियां हैं, उन्होंने कहा कि हमारी पश्चिमी और उत्तरी सीमाएं इतनी सुरक्षित नहीं है कि हम शांति से सो सके। हमारे जवानों को चौकन्ना रहना होगा और हमें भी चौकन्ना रहना होगा। वहीं संघ प्रमुख ने कहा कि निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग कई तरीकों से भारत को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं और जब हम प्रगति कर रहे हैं तो ऐसी ताकतों से बौद्धिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आगे वो कहते हैं, आज इस संसद में विभिन्न विचारधाराओं के मानने वाले हम लोग इस संसद में संसद के सदस्य के नाते अपने अलग अलग कैंप्स बनाकर बैठे हैं। प्रजातंत्र का जो रूप हमने स्वीकार किया है उसमें ये होना ही है, परंतु हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतभेदों के ऊपर हम सब लोगों को देश के लिए एक रहना है। देश के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान में किया गया है, परंतु सामाजिक समता के बिना ये आर्थिक और राजनीतिक समता स्वतंत्रता प्रत्यक्ष में नहीं आएगी। और इसलिए उसका क्या करेंगे, उसको हमको लाना पड़ेगा। समाज के भेदों को मिटाना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने आर्थिक रूप से प्रगति की है, लेकिन देश से गरीबी खत्म नहीं हुई है, हमें इन चुनौतियों से लड़ना होगा। साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि हमारे समाज को इन चुनौतियों से निपटने के लिए संगठित होना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर मोहन भागवत ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहिब ने कहा था कि हमारे देश को विदेशियों ने किसी शांति के कारण नहीं जीता, आपस के भेदभाव के कारण हमने उन्हें अपना देश चांदी की थाली में पेश किया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर बाबा साहिब के नेतृत्व में अपने संविधान का मसौदा तैयार किया गया। जब भारत की संसद में उस संविधान का अनावरण किया गया तो डॉक्टर बाबा साहिब ने दो भाषण दिए थे। 1947 को हमको स्वातंत्र मिला, डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में हमने अपना संविधान बनाया। उस संविधान का भारत की संसद में जब लोकार्पण हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दो भाषण किए। वह भाषण हम सब भारतीयों के लिए, जो स्वतंत्रता इतने सारे वीरों के त्याग बलिदान से हमको प्राप्त हुई, हमारे पूर्वजों के कठोर परिश्रम से हमको प्राप्त हुई, उस स्वतंत्रता के लिए स्वयं को योग्य बनाने का पथ प्रदर्शन हमारे लिए है। उसको प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को हम सबको पढ़ना चाहिए। वो कहता है कि हमारे देश को किसी परकीय शक्ति ने अपने ताकत के कारण नहीं जीता, आपस के भेदों के कारण आपस में लड़ते हुए हमने उनको चांदी की थाली में अपना देश पेश किया, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी हमारी स्वतंत्रता छीन लेंगे। ये हमारे लिए उस स्वतंत्रता के लिए खुद को योग्य बनाने के लिए एक मार्गदर्शक है। हमें इसे हर साल 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को पढ़ना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वहीं एकता के महत्व की बात करते हैं। वैसे देखा जाए जिस तरीके से मोहन भागवत ने जो कुछ कहा, तो क्या लगता है कि आप उस सभी बातों से सहमत है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।